सब्सक्राइब करें कुकिंग विद अंबर चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अंबर। आज मैं जो आपको रेसिपी बनाना सिखाऊंगी वो है मटर पुलाव, जिसमें 3 पाव मैंने सेला चावल लिए हैं। उसको अच्छी तरह वॉश करके 2 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख दें और 2 टमाटर बारीक कटे हुए, 5 अदद हरी मिर्ची इमाम दस्ते में ऐसा मोटा मोटा कूट लें, 1 चम्मच ज़ीरा ले लें और 1 चम्मच गरम मसाला और 1/2 किलो आलू, उसको आप ऐसे काट लें, 1 पाव घी और 3 बड़े चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट और 1.5 चम्मच नमक। नमक फिर बाद में चावलों में भी जाएगा, ये मसाले के लिए नमक है। और ये बिरयानी का मसाला जो मैं हर दफ़ा आपको बताती हूँ, 1 चम्मच धनिया साबुत और 1 चम्मच साबुत सौंफ और बादियानी के फूल, इसको मोटा मोटा कूट लें आप। 3 से 4 अदद तेज़पात के पत्ते ले लें और 1 प्याली आप मटर ले लें और 4 से 5 अदद बारीक कटी हुई प्याज। घी हमारा जो मैंने आपको बताया था 1 पाव, वो गर्म हो गया। अब इसमें हम प्याज बारीक कटी हुई, प्याज को हम लाइट ब्राउन जब हो जाएगी तो हम इसे आधी निकाल लेंगे और आधी जो इसमें देखी में रहने देंगे। अब हमारी प्याज ये देखिए ब्राउन हो गई है, अब आधी प्याज हम निकाल लेंगे प्लेट में। ये आधी प्याज हमने निकाल ली, अब इसके अंदर हम अदरक लहसुन डालेंगे। अदरक लहसुन थोड़ा सा भून जाएगा, फिर हम जो बिरयानी मसाला मैंने आपको बताया था वो डालेंगे। फिर इसमें हम मटर डालेंगे, टमाटर जो मैंने आपको बताया था। बहुत से लोग टमाटर पुलाव में नहीं डालते हैं, पर मैं जो रेसिपी आपको बता रही हूँ वो बहुत ही मज़ेदार पुलाव बनेगा, आप ट्राई करिएगा। अब ये हरी मिर्च डाल दी, अब गरम मसाला डालेंगे, नमक डालेंगे, जीरा जाएगा 1 चम्मच और ये तेज़पात के पत्ते। बहुत ही मज़ेदार पुलाव बनता है, डिफरेंट है। इसके अंदर अब हम आलू डालेंगे, तो मसाले को हम 5 मिनट भूनकर इसमें 2 गिलास पानी डाल देंगे, आलू और मटर हमारे गल जाएं। और हमने चावल भिगो के रख दिए 2 घंटे के लिए, सेला चावल अच्छी तरह वॉश करके 5 मिनट हम इसको भूनेंगे मसाले को, तो 2 गिलास पानी डाल देंगे इसमें। अब ये 2 गिलास करीब हम इसमें पानी डालेंगे जिसमें मटर और आलू गल जाएं। और इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। ये हमारा पुलाव मटर पुलाव का मसाला तैयार हो गया, और इसको 5 मिनट हम ज़रा भून लें। फिर हम इसके अंदर चावल डालेंगे, अच्छी खुशबू आ रही है और ये बहुत ही मज़ेदार मटर पुलाव बनता है। और
घी में बनता है हमेशा पुलाव। बहुत से लोग ऑयल में बनाना चाहें तो बना सकते हैं, जैसे घी में जो टेस्ट आता है वो ऑयल में नहीं आता। अब इसके अंदर हम चावल डालेंगे। मिक्स करें। अब इसमें पानी की क्वांटिटी आप देख लें। अब इसमें नमक डालेंगे। पच्चीस मिनट हम इसको ढक्कन ढक के रखेंगे ताकि हमारे चावल में बॉयल आ जाए। माशाल्लाह हमारे चावल अब दम पे होने वाले हैं। देखिए कितना खूबसूरत पुलाव लग रहा है मटर आलू का। अब ये थोड़ी देर और इसका पानी खुश होगा, फिर हम इसको दम पे रख देंगे। माशाल्लाह देखिए हमारा मटर पुलाव का पानी खुश्क हो गया है। अब इसको हम दम लगाएंगे। इसके अंदर हम प्याज डालेंगे जो मैंने आधी आपको बताई थी निकाल ली थी, और हल्की आंच पे हम को दम पे रखेंगे। पांच मिनट के लिए हम इसको दम पे रखेंगे। तो है दम लग चुका है इसमें, देखें माशाल्लाह इतनी खूबसूरत लग रही है। ज़बरदस्त एक एक चावल खिल उठा है इसमें, और टेस्ट में भी बहुत मज़ेदार होगा ये पुलाव। टेस्टी भी बहुत होगा पुलाव। आप ज़रूर ट्राई करिएगा मेरी रेसिपी और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। अब हम इसको डिश आउट करके आपको दिखाएंगे। माशाल्लाह मटर पुलाव हमारा तैयार है, आपको बहुत पसंद आएगा और बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आएगा। आप रायते और सैलेड के साथ इसको सर्व करें, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।